हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सभी लोग जो है स्नैपचैट के एप्लीकेशन में जब भी कोई भी अपना फ्रेंड वगैरह ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलता है। जब भी आप फ्रेंड वगैरह इस एप्लीकेशन में ऐड करते हैं तब आपको कुछ एरर जो है देखने को मिलता है, या तो फिर बहुत सारे एरर जो है देखने को मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे गाइस आपको जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइस, आपको जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे आप अपने फ़ोन में नेटवर्क वगैरह चेक कर लीजिए, क्योंकि बेसिकली ये जो प्रॉब्लम रहता है वो आपके फ़ोन में अगर नेटवर्क नहीं रहता है तब यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में नेटवर्क वगैरह चेक कर लीजिए, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन को एक बार अपडेट कर लेना है, वो भी प्ले स्टोर से। तो प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिए, या तो फिर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से डिलीट करके दोबारा से जो है आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो ऐसा करने से ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग करना है, यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है इस एप्लीकेशन को, और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन पर जाना है। यहाँ पे आने के बाद गाइज़ यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टोरेज पे जाना है, और सबसे नीचे में यहाँ पे आपको क्लियर ऑल डेटा का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको क्लिक करके इसका जो डेटा है वो आपको क्लियर कैसे करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन परमिशन पे जानी है, यहाँ पे आपको सभी परमिशन अलाउ कर देनी है, और फ़ोन का परमिशन आपको अलाउ करना ही करना है गाइज़। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो बैक आना है, और यहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज का ऑप्शन आता है, जो कि आपको अपने फ़ोन में 100% सेटिंग करनी है। यहाँ पे आपको इसको जो है वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों को आपको इनेबल कर लेना है। तो इस तरीके से आप जो है इनेबल कर लीजिए और ओके कर लीजिए। तो गाइस, इसी तरीके से आपको सेटिंग करना है, जिसके बाद जो है आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपको कोई एरर फिर भी आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं।